मुरैना के जोरा व दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने आए पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा नेता टीवी पर आने के लिए बयान देते रहते हैं जबकि जनता के लिए हित में किए जाने वाले मूल काम नहीं करते। हिंदुत्व को लगातार खतरा बताकर भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है जबकि हमारे देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश के हिंदू धर्म को कभी खतरा ही नहीं न भविष्य में कोई खतरा हो सकता है। सिंह ने भाजपा की सरकार को असत्य के ऊपर बनाई गई सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार नहीं चल सकती, असत्य को लेकर लंबी दूरी तय नहीं की जा सकती, एक ना एक दिन सत्य की जीत अवश्य होती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ उमड़ रहे सैलाब को लेकर कहा कि भविष्य उनका ही है। पूर्व मंत्री सिंह दिल्ली से रेल मार्ग द्वारा मुरैना आए, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शेर सिंह पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित करने उनके घर पहुंचे। इसके बाद जोरा विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। देर शाम दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सिंह के साथ राजस्थान बाड़ी विधायक गिराज मलिंगा, तमिनी विधायक रविन्द्र सिंह तोमर, सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना विधायक राकेश मावे, मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव रामलेखन डंडोतिया, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना राकेश यादव, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर निगम सभापति राधारमण डंडोतिया, राजा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता थे। जैसा कि आप सब अभी सुन रहे थे कि मुरैना जिले में भी लगभग सभी विधानसभाओं में यात्रा प्रारंभ हो गई है भारत जोड़ो यात्रा, और इसमें हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो मेहनत राहुल गांधी जी कर रहे हैं वर्तमान में, लगभग पिछले 50 दिन में वो पैदल चल रहे हैं और जो जनसैलाब उनके साथ घूम रहा है, उससे स्पष्ट है कि जो देश का युवा है, देश के किसान हैं, वो देख रहे हैं राहुल जी के प्रति बहुत ही उम्मीदों के साथ। और इसीलिए मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के हर ज़िले में भी राहुल जी के मध्य प्रदेश आने से पहले यात्रा प्रारंभ हो जाए। और जैसा आप देख रहे हैं अभी मुरैना में भी बहुत उत्साह है। आज हम यहाँ मुरैना में जो यात्रा रहेगी दिमनी विधानसभा में, उसका हमने शुभारंभ किया। इससे पहले जौरा में भी हमने शुभारंभ किया है। तो हर जगह सभी विधानसभाओं में, लगभग मुरैना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, जनता को साथ जोड़ेंगे। और जब तक राहुल जी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, मैं मानता हूँ लगभग पूरे मुरैना जिले में यात्रा पहुँच चुकी होगी। ये अभी मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।